हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जींद में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में 9 युवक और एक ऑटो चालक शामिल। बताया जा रहा है कि सभी युवक हिसार में चल रहे सेना की भर्ती से लौट रहे थे, तभी रामराय गांव के पास युवकों के ऑटो को टैंकर ने टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि तेज रोशनी की वजह से ऑटो चालक के सामने से आ रहा टैंकर नहीं दिखा, जिसके बाद ही हादसा हुआ। टक्कर के बाद ऑटो में सवार युवक और चालक दब गए, मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीते 3 दिनों में प्रदेश ने ऐसे 16 नौजवानों को खो दिया है जो रोजगार की तलाश में घर से निकले थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बदला लेने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल आतंकियों के निशाने पर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश ने देश के 30 बड़े शहरों पर भी हमले की धमकी दी है, जिनमें जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जयपुर, गांधीनगर, कानपुर और लखनऊ शामिल है। आतंकियों ने 4 हवाई अड्डों पर भी हमला करने की धमकी दी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए अमेरिका में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में ढाल लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के हेडक्वार्टर में 50 किलोवाट की क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कश्मीर मसले पर कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय फैसला है, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई दखल दे। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आगामी 6 दिसंबर से हम राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा अगर उन्होंने मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज किया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे तब आश्चर्य होता है जब राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी यात्राओं के दौरान मुझे मिली प्रतिक्रिया के बाद भी मेरे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए मार्गदर्शन देने की औकात पुरुषों में नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरुषों को अहंकार से बाहर निकलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी का उन मौतों से कोई संबंध नहीं जो कथित रूप से एनआरसी लागू करने का खौफ की वजह से हुई है। दिलीप घोष ने दावा किया कि डेंगू से हुई मौतों का भी एनआरसी के खौफ से हुई मौतें बताया जा रहा है। नई दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक होगी। कैप्टन अजय यादव की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी। इस बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रवक्ता और कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में युवा क्रांति सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने क्लर्क का पेपर इतना मुश्किल कर दिया जैसे इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चे पेपर देने गए हों। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम पहले खुद इस पेपर को पास करके दिखाएं।
सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर नौकरियों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 75 पार के नारे पर भी जमकर चुटकी ली। सप्ताह के तीसरे दिन कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार सुस्त शुरुआत के साथ आगे बढ़ा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से अधिक लुढ़क कर 38,800 के नीचे आ गया। निफ्टी में करीब 40 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 11,500 के स्तर के नीचे कारोबार करता दिखा। इसके अलावा बढ़त वाले शेयरों में पावर ग्रिड, HLCL, TCS और रिलायंस शामिल है। पावर ग्रिड में 2% अधिक बढ़त दर्ज की गई। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया। इस बीच फ्लिपकार्ट और अमेजन ने पहले ही अपने सेल की घोषणा कर दी। अब पेटीएम मॉल ने भी अपने महा कैशबैक कार्निवल की जानकारी दी है। इस सेल की शुरुआत 29 सितंबर से होगी और ये सेल 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। साथ ही ग्राहकों को HDFC बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर 10% अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जाएगा। ये EMI ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा। Xiaomi द्वारा आज भारत में Redmi 8A को लॉन्च किया जा रहा है। इसे Redmi 7A के अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी इसके लॉन्चिंग के लिए किसी फिजिकल इवेंट का आयोजन नहीं कर रही बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इसे लॉन्च करेगी। इसके अलावा इस फोन में बड़ी बैटरी दिए जाने की भी बात सामने आई है जिसकी कीमत Redmi 8A की कीमत के आसपास रखी जा सकती है। Redmi 7A के 2GB 16GB वेरियंट की कीमत 5,999 रुपये। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को पहले T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हरा दिया। जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली।